एसटीएफ बरेली पुलिस रही सफल। 11 साल पहले जेल से भागे अपराधी को आज दिनांक 15/12/20 को पकड़ने में बरेली जिला कारागार से वर्ष 2009 में लुंगी से रस्सी बनाकर दिन में काम करते समय नूरुल हसन पुत्र अमीरुल हसन ने इस्लामपुर थाना खट्टी मा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड फरार हो गया था। उसे गिरफ्तार करने में एसटीएफ और पुलिस द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। उक्त अपराधी पर 25,000 का इनामी अपराधी को बरेली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड मिला। नूरुल हसन ने अपना नाम पता बदलकर मुअय्यूब कर लिया। एसपी सिटी रविंद्र कुमार की एक वाइट बरेली से क्राइम रिपोर्टर नितिन सैनी के साथ क्राइम रिपोर्टर सुधांशु पांडे सोहेल अनवर सिद्दीकी की एक रिपोर्ट। ये व्यक्ति 2009 में थाना बारादरी से एक अभियोग में जिला कारागार बरेली में निरुद्ध था। दिन के समय काम करते वक्त ये दीवार फाड़ कर फरार हो गया था। यूपी पुलिस को इसको तलाश थी पिछले 11 सालों से। आज यूपी एसटीएफ के द्वारा जनपद बरेली के चौकी चौराहा से इसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति थाना कोतवाली से 25,000 का इनामी था। इसके कब्जे से एक फर्जी आधार कार्ड मिला है जिसपे इसने अपना नाम चेंज करके मोहम्मद अयूब रख लिया था। थाना कोतवाली पर एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित।